हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया था, जिसमें लिवरवर्ट्स, मॉसेस के बारे में आपने स्टडी किया था और उनकी ग्राफिक आउटलाइन हमने स्टडी करी थी। आज की वीडियो में बच्चों, मैं आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये फिगर, टेरिडोफाइट्स में मोस्टली फर्न्स आते हैं, हॉर्स टेल्स। और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं मोस्टली मेडिसिनल पर्पस के लिए होते हैं और सॉइल बाइंडर्स की तरह हम इनको यूज़ करते हैं। मोस्टली जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं वो प्रिमिटिव सीडलेस वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं और ये रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स के ज़रिए। इनका अगर ग्रो करने का एरिया हम देखें तो ग्रो करते हैं ये डैम्प और शेडी प्लेसेस में, मोस्टली सैंडी सॉइल्स में पाए जाते हैं। मतलब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पोरोफाइट, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हो कि इसमें स्टेम, लीव्स और रूट्स वेल डिफाइंड होते हैं। दूसरी मेन एक जो होता है कि इसमें जो जाइलम और जो आपके वेसल्स होते हैं यानी ट्रैकिया, वो एब्सेंट होते हैं और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। लीव्स में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपकी लीव्स होती हैं इनमें छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। और स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं ग्रुप्स में, या जिन्हें हम सोराई भी बोलते हैं। मतलब जो स्पोरोफिल्स होते हैं इन लीव्स में, उसी में ग्रुप्स की फॉर्म में सोराय प्रोड्यूस होते हैं। अब ये स्पोरोफिल कैसे होते हैं, देखिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे ये सोराय यानी ये जो स्पोरेंजिया हमारे प्रोड्यूस होते हैं ग्रुप्स में, स्पोरोफिल जो है वो कैसा होता है। हियर यू कैन सी, देखिए ये फर्न के स्पोरोफिल्स हैं, ये आप येलो कलर के देख सकते हो। तो ये ग्रुप्स में इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। और कभी कभी ये स्पोरोफिल्स जो होते हैं ना, वो इतने कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कि ये कोन बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं? कोन बना देते हैं या फिर स्ट्रॉबेलाई, जैसे कि इक्विसिटम हो गया, सिलेजिनेला हो गया, उसमें बनते हैं। और मोस्टली टेरिडोफाइट्स में ये जितने स्पोर्स जो मैंने अभी आपको दिखाए सिमिलर काइंड के होते हैं, तो एक जैसे होने की वजह से इन्हें हम होमोस्पोरस भी बोलते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट्स में जैसे आपका सिलेजिनेला है, ये आपका सिलेजिनेला है, ठीक है। और साल्विनिया है, देखिए साल्विनिया इस तरीके से दिखाई देता है, ये आपका साल्विनिया है, ये आपके फर्न्स हैं। ऐसी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं फर्न्स में, जिससे मैंने अभी आपको स्पोरोफिल दिखाया था, वो इन लीव्स में प्रेजेंट होता है येलो कलर का, जो आपने ग्रुप में देखा था। तो कुछ टेरिडोफाइट्स में जैसे आपका सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। तो जब दो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनते हैं तो इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं? हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोरस। और ये जो हेट्रोस्पोरी मैंने अभी वर्ड यूज़ किया स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें स्पोर्स दो डिफरेंट साइजेस के और सेक्सेस के प्रोड्यूस होते हैं, मतलब प्रोडक्शन होता है। तो जो स्मॉल स्पोर होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, और वो माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट करते हैं मेल स्पोर। और जो लार्जर स्पोर होता है वो मेगास्पोर कहलाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो बड़ा होता है, फीमेल स्पोर। ओके,
और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन में। स्पोर जर्मिनेट होने के बाद एक मल्टी सेलुलर थैलॉयड गैमिटोफाइट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। अभी मैं आपको एक लाइफ साइकिल डिस्कस करूंगी फर्न की, कि ये प्रोथैलस कैसे डेवलप होता है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और गैमिटोफाइट क्योंकि ग्रीन होता है, इंडिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट से, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने पीछे भी डिस्कस किया था, एंथ्रीडिया बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो आर्चिगोनिया कहलाते हैं। मोस्टली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो मेल गैमिट्स को एंथ्रोजॉइट्स बोला जाता है, और ये स्पायरली कॉल्ड होते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इनमें, जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, कि वाटर बहुत असेंशियल होता है, बगैर वाटर के फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। आप अगर इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को समझोगे तो देखो, ये फूड की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, और एंशियंट रोम के पीपल इसको टी की तरह भी यूज़ करते हैं, इवन डाई की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। और जो हमारे इक्विसीटम की स्पीसीज़ हैं, उनको हम गोल्ड का कंसंट्रेशन एनालाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इवन दिस फर्न इज़ ऑल्सो ग्रोन फॉर देयर ऑर्नामेंटल वैल्यू। जो फर्न की लीव्स होती हैं, इनको फ्लावर के बुकेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एंड सम फर्न्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम ऑल्सो। एक एजोला की स्पीसीज होती है, उसको तो हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द नाइट्रोजन लेवल, जो राइस पैडीज होती हैं, बिकॉज इट शोज सिम्बायोसिस विद एनाबेना। ओके, तो अब मैं आपको इसका एक लाइफ साइकिल डिस्कस करूँगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो अभी हमने प्रोथैलस, स्पोरेंजियम, कुछ वर्ड मैंने यूज़ किए थे, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, ये किस तरीके से फॉर्म होता है। देखिए, बड़ा ही सिंपल इसका ग्राफिक आउटलाइन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको इजीली टेरिडोफाइट्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। देखिए, हियर यू कैन क्लियरली सी, ये आपका, आप देख सकते हो, फर्न है, फर्न का प्लांट है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज ये आपका सोरस है, जो मैंने आपको येलो कलर के दिखाए थे। इससे आपका डेवलप होता है, जो फर्न प्लांट है, आपका एक स्पोरोफिल डेवलप होता है। ठीक है, स्पोरोफिल से आपके सोरस डेवलप होते हैं, इस सोरस से आपका स्पोरेंजियम डेवलप हुआ, एंड दिस फ्रॉम दिस स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम से आपका स्पोर मदर सेल। ठीक है, इसमें मियोसिस होती है। अब क्योंकि यहाँ मियोसिस होगी, तो उस मियोसिस से आपका ये जो गैमेटोफाइट है, आप देख रहे हो, ये प्रोथैलस ये फॉर्म होता है रिडक्शन डिवीजन से। एंड फ्रॉम दिस प्रोथैलस, इस प्रोथैलस से देखो, ये आपका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। यानी ये आपका क्या है, एंथ्रीडियम, जिसे हम मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और ये क्या है आपका, आर्चिगोनियम, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म होगा इनके फ्यूज़न से। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर गैमिटोफाइट फॉर्म हुआ, गैमिटोफाइट से आपका जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से ही आपका फिर लीफ, जो यंग स्पोरोफाइट है, वो डेवलप हो जाएगी, है ना। जाइगोट फॉर्म हुआ तो उससे आपका एडल्ट फॉर्म होता है, जाइगोट से ऊ स्पोर बनेंगे, ऊ स्पोर से एम्ब्रियो बनेगा, और फाइनली फिर आपका ये जो फर्न प्लांट है वो बन जाता है। ठीक है, तो दिस साइकिल गोज ऑन।
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये रूट्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। और ये राइजोम होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड दिस इज़ द एडल्ट स्पोरोफाइट। ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फर्न विच कम्स अंडर द टेरिडोफाइट। आप इसका ग्राफिक आउटलाइन अगर देखेंगे तो देखिए ग्राफिक आउटलाइन के ज़रिए भी आप इसको समझ सकते हो। इट्स वेरी इजी कि आपका फर्न प्लांट है, आपका स्पोरोफिल डेवलप हुआ, स्पोरोफिल से स्पोरस फॉर्म हुए, देन स्पोरस से स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम स्पोर मदर सेल दैट इज डिप्लॉयड, और आफ्टर मियोसिस जो रिडक्शन डिवीजन होगी स्पोर फॉर्म होंगे एंड देन प्रोथेलस विल फॉर्म। एंड हियर दिस डिवाइड इन टू स्टेजेस दैट इज स्पोरोफाइट एंड गैमिटोफाइट दैट इज 2N एंड N। अब यहाँ पे ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, एंथ्रीडियम दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्चिगोनियम दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड विद द फ्यूजन ऑफ दिस गैमीट देखिए फीमेल से एग फॉर्म हुआ और आपका मेल से एंथ्रेजॉइड, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट से ओस्पोर डेवलप हुआ एंड देन एम्ब्रियो डेवलप एंड फाइनली द फर्न प्लांट। द लाइफ साइकिल गोज ऑन इन दिस मैनर। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर टेरिडोफाइट्स, व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़, एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू।